अच्छे बनो। बचपन से यही सिखाया जाता है कि अच्छे बनो, बड़ों से सीखो। देखो शर्मा जी के बेटे की सरकारी नौकरी लग गई, कुछ सीखो उनसे। देखो तिवारी जी का लड़का है ना, वो अपने घर वालों की बात मानकर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, उसकी तरह अच्छा बनो। और देखो श्रीवास्तव जी का लड़का कैसे सब में घुल मिल रहा है, कैसे सब में घुल मिल के रहता है वो, कुछ उससे भी सीखो। बात माना करो, अच्छे बनो, जैसा सब कहे वैसा किया करो, क्योंकि तुम अभी छोटे हो और तुम्हें कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में। आज का वीडियो कुछ लोगों को रास नहीं आएगा, पर मैं हिम्मत रखता हूं वो सब कड़वी बातें बोलने की, जिनको सच्चाई की चादर से ढक के हर किसी को बचपन में ही परोस दिया जाता है। और उस चादर के नीचे क्या होता है, वही जो होता आया है, मिडिल क्लास मैन। ऐसी बातें जिनको अच्छी बातें माना जाता है, लेकिन वो बातें, वो रूल्स इंसान को मिडिल क्लास में ही रखते हैं। आज मैं कहता हूं कि बुरा बनना सीख लो। आज मैं कहता हूं कि तुम्हें वो नहीं करना जो तुम्हें चाबी वाली कार समझ के तुमसे करवाया जाता रहा है। पैसा कितना कीमती है, तो फिर कोई मालिक बनने के लिए क्यों नहीं बोलता? हर कोई नौकरी पाने के लिए क्यों लाइन में खड़ा रहता है? कुछ बड़ा करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, हर कोई जानता है ये बात, हर कोई जानता है ये। तो फिर वैसा ही क्यों करते हो जैसा ये भीड़ करती रहती है? घर वाले सब्जी मंडी में टमाटर की रेट 5 रुपए कम करवाने के लिए आधा घंटा खराब कर देंगे, लेकिन घर पे आके अपने बच्चों को ये नहीं बोलेंगे कि बेटा पैसा ज्यादा जरूरी है। पूरी सच्चाई जान के भी अपने बच्चों का हौसला ये कहकर नहीं बढ़ाएंगे कि बेटा मैं नहीं कहता कि तू नौकरी करे, लेकिन जो भी करे पूरी ईमानदारी से करे। पर वो कहेंगे क्या, तिवारी जी के लड़के को देखो, एग्जाम निकाल लिया उसने। तुमसे सब लोग ये बोलते होंगे कि घुल मिल के रहा कर, जैसी दुनिया है वैसा बन के रहा कर, लेकिन मैं ये कहता हूं जैसी दुनिया है ना वैसा बनने की जरूरत नहीं है। जिस लेवल पे दुनिया है उस लेवल पे रहने की जरूरत नहीं है, बल्कि उससे ऊपर रहने की जरूरत है। और दुनिया से ऊपर उठने के लिए झुंड में रहने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अकेले तपस्या करने की जरूरत है। लोग तुम्हें बोलेंगे कि तुम बड़े शर्माते हो, किसी से बात नहीं करते, उनको बोलने देना यार। लोग तुम्हें कहेंगे कि इस काम में क्या रखा है, उनको बोलने देना। अगर तुम अपने रास्ते पर सही हो ना और लोग तुम्हें बुरा बताए, तो इसका मतलब नजरें नीचे झुकाने का नहीं, बल्कि नजरें ऊपर उठाने का टाइम आ गया। इस तरह की बुराई लेने में भलाई है, क्योंकि किसी के कहने से तुम बुरे नहीं बन जाते। और अगर कोई तुम्हें बुरा कहता भी है, तो इसका मतलब तुम बुरे नहीं हो, बल्कि केवल तुम उनके जैसे नहीं हो। अगर तुम अपनी लाइफ के टारगेट के लिए काम कर रहे हो ना, और कोई तुम्हें बोले कि तुम तो यार बड़े बुरे आदमी हो, कभी किसी फंक्शन में नहीं जाते, तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त। अगर तुम रात को 3 बजे तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए जगे हुए हो, और सुबह कोई तुम्हें बोले कि तुम तो बड़े बुरे हो यार, सुबह 8 बजे उठते हो, तुम्हें तो 5 बजे उठना चाहिए, तो बुरे बने रहो मेरे दोस्त। इस बुराई में बहुत अच्छाई छिपी है। जीत फिक्स की आंखों से देखना, बहुत फेस किया लाइफ में, अच्छा बन के कुछ नहीं मिला। रूल्स उनके लिए बनाए जाते हैं जो उसी लेवल में जीना और मरना चाहते हैं। रूल्स को तोड़ना सीखो। बुरा बनने का मतलब यह नहीं है कि गाली दो, मारपीट करो, किसी का अपमान करो। बुरा बनने का मतलब है, बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे कहने में, पर बुरा बनने का मतलब है कि जैसा बनना चाहते हो ना वैसा बनो, और जैसा दुनिया तुमको बनते हुए देखना चाहती है वैसा कभी मत बनो। जंगल में जो सीधा पेड़ होता है ना, वो सबसे पहले काटा जाता है। आज की दुनिया में जो सबसे सीधा बंदा होता है ना, उसको सबसे पहले धोखा मिलता है। अगर किसी सांप में जहर भी ना हो, तो भी वो फुफकारता रहता है। क्यों? क्योंकि अगर किसी को जरा भी भनक पड़ी ना कि इस सांप में तो जहर ही नहीं है, तो उसको वहीं पे मार देंगे। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, तो उसको गलत ही बोलो। किसी के कहने से या जोर देने पे उसको सही मत बोलो, क्योंकि गलत गलत होता है, और आपके लिए क्या सही है ये आपको पता है। अगर कोई आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे उंगली उठा रहा ना, तो ऐसे लोगों की नजरों में बुरे बन जाओ और दूर हो जाओ। किसी के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे इरादों में और तुम्हारी मेहनत में दम है ना, तो सामने वाला बंदा आके घुटने टेकेगा तुम्हारे सामने, तुमसे सॉरी बोलेगा। तुम्हारे नाम के हजारों बंदे इस दुनिया में, लेकिन तुम्हारी पर्सनैलिटी सबसे अलग है। अगर कोई केवल इसीलिए तुम्हें बुरा बता रहा है कि तुम उनके जैसे नहीं हो, तो ऐसा बुरा बनने में बहुत भलाई है, कोई दिक्कत नहीं है। इस दुनिया में जब जब भी कोई बड़ा आदमी बना है ना, जब जब किसी इंसान को ताली मिली है ना, तो एक चीज और याद रखना कि उसने कभी ना कभी अपनी लाइफ में गाली जरूर खाई होगी। वो कभी ना कभी अपनी लाइफ में बुरा जरूर बना होगा, जस्ट बिकॉज
वो वैसा अच्छा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है। शब्दों में चक्कर मत खाना गोल गोल, दोबारा बोलता हूँ, हर बड़ा बनने वाला इंसान किसी ना किसी के नजरिए में बुरा जरूर बना है, और वो क्यों बना है? जस्ट बिकॉज वो वैसा नहीं था जैसा दुनिया को लगता था कि अच्छा क्या होता है। अगर तुम्हारा मन नहीं है किसी के साथ घूमने जाने का तो मत जाओ। अगर किसी रिलेशनशिप में इज्जत से ज्यादा अपमान मिल रहा है ना, तो मत घसीटो यार अपनी इज्जत को और उस जबरदस्ती के रिश्ते को। तुम्हें बुरा बताया जाएगा पर किसी के कहने से क्या होगा? जब बारिश होती है ना तो आधे लोग खुश होते हैं और आधे लोग गाली देते हैं कि थोड़ा सा और रुक जाती तो क्या हो जाता। अगर तुम्हारे लिए पढ़ाई से ज्यादा जॉब जरूरी है तो यार जॉब करो। जॉब से ज्यादा जरूरी खुद का बिजनेस करना है तो बिजनेस रन करो। और बिजनेस करने से ज्यादा पढ़ाई जरूरी है तो पढ़ाई करो। हाउ सिंपल इट इज, डोंट मेक इट जबरदस्ती यार कि दुनिया नहीं करने देती। मेरी बात कान खोल के सुनो, आज तक इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं बनी है जिसको इस दुनिया का हर इंसान अच्छा बताए। कोई ना कोई जरूर होगा जो उसको बुरा बताएगा। तो अगर तुम्हें कोई बुरा बता रहा है तो डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क इसी से पड़ेगा कि आपके इरादे कैसे हैं और आपका मकसद क्या है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं है इस ब्रह्मांड में जो अच्छे बुरे का क्राइटेरिया डिसाइड कर सके। अच्छे और बुरे का सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। अगर आपकी नज़र में आप अच्छे हो तो दैट्स गुड, औरों की नज़र में अगर आप बुरे हो लेकिन अपनी जगह पे सही हो तो दैट्स ऑल्सो गुड। अच्छा बनना है तो खुद के दिल से अच्छा बनो, अपने रूल्स